नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ नेहा रेड्डी। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। भारत में 5,67,840 मरीज संक्रमित, 16,893 लोगों की मौत, 2,15,125 एक्टिव मामले और 3,34,822 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। भारत के पहले स्वदेशी कोविड 19 टीके को भारतीय औषधीय महानियंत्रक से मानव पर परीक्षण की अनुमति मिली। अगले महीने से इस टीके का पहले और दूसरे चरण का परीक्षण शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। देश में कोविड 19 के प्रकोप के बीच प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम यह 6ठा संबोधन होगा। मिस्र के एक अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में आग लगने से कोविड 19 के 7 मरीजों की मौत। नागरिक सुरक्षा विभाग ने कहा कि यह आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। देश में अनलॉक 2 के लिए सरकार की नई गाइडलाइंस जारी। स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। अनलॉक 2 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल, सिनेमाघर, जिम, बार बंद रहेंगे। 1 जुलाई से शुरू होगा अनलॉक 2। भारत ने चीन से संबंध रखने वाले 59 मोबाइल ऐप पर लगाया प्रतिबंध। इनमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयरइट और वीचैट जैसे ऐप भी शामिल। इन ऐप्स को बताया देश की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। आतंकवादियों की पहचान की जा रही है। विशाखापट्टनम के पास परवादा में दवा बनाने वाली एक कंपनी में मंगलवार सुबह बेंजीन गैस का रिसाव। हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 अन्य लोग बीमार। गैस रिसाव के कारणों का अभी पता नहीं चला। भारत और चीन की सेनाओं के बीच मंगलवार को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की एक और दौर की बातचीत। पूर्वी लद्दाख में तनाव को कम करने और संवेदनशील क्षेत्र से सेनाओं को पीछे करने पर हो रही है बातचीत। असम में बाढ़ का कहर जारी। असम में बाढ़ से 25 जिलों में लगभग 13.2 लाख लोग प्रभावित, 22 लोगों की मौत। फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए आप सबसे पहले विजिट कीजिए webdunia.com पर और इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।